Let us start with a new topic, that is Earth's magnetism. We have already solved a few questions related to this, but major chunk is remaining. So Earth's magnetism पे question solve करने से पहले आपको basics पता होना चाहिए. Basics मतलब right from what is geographic axis, what is geographic meridian, what is geographic equator, what is magnetic axis, what is magnetic meridian, what is magnetic equator, what is magnetic declination, what is angle of dip, और उसके related formulas. तो very simple thing, as you know, we'll start with very very basic, extremely basic. So as you know, earth, थोड़ा बड़ा ही ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, earth. अब अर्थ के केस में एज यू नो कि अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और यह है जियोग्राफिक साउथ पोल. अ लाइन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ इज कॉल्ड एज जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ द अर्थ. अ लाइन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ इज नोन एज जियोग्राफिक एक्सिस. तो ये आ गया नॉर्थ पोल, ये आ गया साउथ पोल, और दिस लाइन इज जियोग्राफिक एक्सिस. तो काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसका नाम लिख देते हैं. दिस इज जियोग्राफिक एक्सिस. तो जी ए हियर स्टैंड्स फॉर जियोग्राफिक एक्सिस. यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स. फिर मैंने आपको बताया था कि जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होता है. मैंने बताया था कि अ लाइन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ इज कॉल्ड एज जियोग्राफिक मेरिडियन. दैट इज ट्रू, बट दैट इज हाफ ट्रू. कंप्लीट ट्रूथ इज अ प्लेन कंटेनिंग जियोग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड एज जियोग्राफिक मेरिडियन. मतलब जियोग्राफिक मेरिडियन एक सिंगल लाइन नहीं है. Geographic meridian is a plane, and plane has infinite number of lines. जैसे a line has infinite number of points, वैसे ही a plane has infinite number of lines. तो geographic meridian is not a single line, but it is infinite number of lines. मतलब it is a plane. तो जिस plane में geographic axis होगा उसको बोलोगे geographic meridian. या फिर एक अल्टरनेट वे है डिफाइन करने का. यू से अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज जियोग्राफिक मेरिडियन. वर्टिकल क्योंकि मैंने रखा ही अर्थ, अर्थ को वैसा है वर्टिकल प्लेन. अ वर्टिकल प्लेन विच कंटेन्स जियोग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड एज जियोग्राफिक मेरिडियन. तो मैं एक प्लेन दिखा देता हूं. सो दिस प्लेन, लेट अस से दिस इज दैट प्लेन. ओके, दिस इज दैट प्लेन विच कंसिस्ट ऑफ, ये एक प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं मैं. यू हैव टू इमेजिन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इमेजिन. तो वी हैव अ प्लेन समथिंग लाइक दिस, एंड दिस प्लेन कंसिस्ट ऑफ, इट कंटेन्स जियोग्राफिक एक्सिस. सो दिस प्लेन इज नोन एज जियोग्राफिक मेरिडियन. ये प्लेन है ना, प्लेन मतलब ये पेज जैसा है. इस पेज में एक लाइन है जियोग्राफिक एक्सिस और पूरा प्लेन है जियोग्राफिक मेरिडियन. सिर्फ ये प्लेन को मैं ऐसा अंदर डाल रहा हूं. इसके लिए मुझे दिखाते वक्त आई एम शोइंग लाइक दिस. ओके, सो जियोग्राफिक मेरिडियन, ये जो प्लेन है, दिस प्लेन इज जियोग्राफिक मेरिडियन. तो ये जी एम इज जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन. ओके, देन अब आपको पता होना चाहिए अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ के पास में आता है मैग्नेटिक साउथ, और जियोग्राफिक साउथ के पास में आता है मैग्नेटिक नॉर्थ. अ लाइन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक North and South pole of the Earth is called as magnetic axis. So North के पास में, geographic North के पास में magnetic South, और geographic South के पास में magnetic North.
तो ये जो ग्रीन लाइन मैं दिखा रहा हूं, दिस ग्रीन लाइन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक एक्सिस. सो मैग्नेटिक एक्सिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक एक्सिस. सिमिलरली थोड़ा सा स्पेस रखता हूं कि और एक चीज डिफाइन करना बाकी है. सिमिलरली जैसे आपने यहां पे बोला अ वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग ज्योग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिक मेरिडियन. यहां पे बोल सकते हो अ वर्टिकल प्लेन, सिर्फ वर्टिकल प्लेन दिखाने के लिए इसको रोटेट कर लो, मतलब ये लाइन को वर्टिकल बना दो, वो हमारे ऊपर है, ड्रॉ करना तो हमारे ऊपर है, और तो रोटेट कर नहीं सकते. ड्रॉ तो कर सकते हैं कम से कम, वी कैन रोटेट इट एंड पुट दिस लाइन वर्टिकल. सो हम बोल सकते हैं अ वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन. तो मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब वो प्लेन है जिसमें मैग्नेटिक एक्सिस है. सो यू हैव समथिंग लाइक दिस. तो दिस विल बी मोर और लेस, ये प्लेन बना लेते हैं इसको. दिस विल बी ओवर हियर, इट इज नथिंग बट मैग्नेटिक मेरिडियन, मोर और लेस लाइक दिस. दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट. तो ये आ गया आपका MM. MM stands for magnetic meridian. Magnetic meridian. We have to define what is geographic equator. What is geographic equator? It is not a line, it is a circle. A great circle. Great circle क्यों? क्योंकि मैं अगर यहां पर draw करूंगा तो भी circle हो सकता है, मैं यहां पर draw करूंगा तो भी हो सकता है. Great circle मतलब circle with maximum radius या फिर maximum diameter. A great circle drawn, कहां draw करोगे? Earth की surface पे. A great circle drawn on the surface of earth which is perpendicular to ज्योग्राफिक एक्सिस और ज्योग्राफिक मेरिडियन. क्योंकि ज्योग्राफिक एक्सिस कैसा है? ज्योग्राफिक एक्सिस वर्टिकल है, ऐसा ऊपर जा रहा है. और इक्वेटर मतलब सर्कल, ग्रेट सर्कल, और इस ग्रेट सर्कल को ज्योग्राफिक एक्सिस परपेंडिकुलर है. तो अ ग्रेट सर्कल ड्रॉन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, राइट, विच इज परपेंडिकुलर टू ज्योग्राफिक एक्सिस और मेरिडियन इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिक इक्वेटर. तो ये एक ग्रेट सर्कल है. ग्रेट सर्कल का मतलब पता होना चाहिए, अ सर्कल विद मैक्सिमम रेडियस, मैक्सिमम डायामीटर इज कॉल्ड एज ग्रेट सर्कल. तो ये है ग्रेट सर्कल. दिस इज ज्योग्राफिक इक्वेटर, दिस इज ज्योग्राफिक इक्वेटर, करेक्ट. वैसे ही मैग्नेटिक इक्वेटर आएगा, सेम डेफिनेशन. A great circle drawn on the surface of earth which is perpendicular to magnetic axis or magnetic meridian, that is magnetic equator. The magnetic equator will be something like this. Oh, wrong choice of color. Oh, sorry. Something like this. Yeah, aa gaya aapka मैग्नेटिक इक्वेटर मोर और लेस, ओके. अब डू यू सी कि ज्योग्राफिक मेरिडियन या फिर ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक मेरिडियन या फिर मैग्नेटिक एक्सिस, दे आर नॉट इन द सेम प्लेन, दे आर अलाइन्ड टू ईच अदर एट सम एंगल. ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन आर एट सम एंगल टू ईच अदर, दे आर नॉट इन द सेम प्लेन. ये जो एंगल बना इन दोनों में, इन दोनों में जो एंगल बना, ये वाला एंगल दिस मच, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. सो द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. तो थीटा इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, तो एंगल है वो. ओके, सो यू नीड टू नो दिस ऑल्सो, यू नीड टू नो कि यहाँ पे जो थीटा है दैट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. और डिक्लिनेशन मतलब मैंने बता दिया आपको, इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन, या फिर इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस,
राइट। अब हम लोगों को डिफाइन करना है एंगल ऑफ डिप। अब नॉर्मली एंगल ऑफ डिप डिफाइन करने से पहले यू नीड टू नो वन थिंग, हमारे पास दो प्लेन्स है, एक मैग्नेटिक मेरिडियन ये एक प्लेन है और ज्योग्राफिक मेरिडियन ये एक प्लेन है। तो फॉर कन्वीनियंस हम हमेशा कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, सपोज अब ये बोर्ड है या मोबाइल पर देख रहे हो तो मोबाइल का स्क्रीन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। तो नॉर्मली जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन को ऐसा दिखा देते हैं इन एक्स जेड प्लेन। सो ओनली फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी नॉर्मली ड्रॉ मैग्नेटिक मेरिडियन इन एक्स जेड प्लेन। सो ये आ गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन इन द ग्रीन कलर, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट करेक्ट। और कौन सा मेरिडियन था, ज्योग्राफिक। और आपको पता है कि ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन ये ओवरलैप नहीं होते, दे हैव सम एंगल, तो उसको मैं यहां दिखाऊंगा। सो लेट्स से इट इज लाइक अ ओपन बुक, हाफ ओपन बुक, ओके। तो ये आ गया आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन मोर ऑर लेस, तो दिस इज ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये वन इन द वाइट, दिस इज ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो फॉर कन्वीनियंस हम उल्टा भी कर सकते थे, हम पीछे बता सकते थे मैग्नेटिक मेरिडियन, आगे बता सकते थे ज्योग्राफिक मेरिडियन, बट क्यों नहीं करते थोड़ी देर में समझेगा आपको इन अ वाइल। बाय द वे इन दोनों में एंगल को क्या डिफाइन किया है, डिक्लिनेशन, मतलब ये एंगल आ गया आपका डिक्लिनेशन, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन थीटा, राइट। अब हमने मैग्नेटिक मेरिडियन क्यों ऐसा बताया, सिंपल है, अगर आप अर्थ पे कहीं पे भी घूम रहे हो और अगर आप कंपस लेके घूम रहे हो, कंपस मतलब जो डायरेक्शन होता है वो कंपस, ओके, उसमें नीडल होता है करेक्ट। तो नीडल क्या बताता है आपको, नॉर्थ एंड साउथ, ओके, मतलब डायरेक्शन कौन बताता है, मैग्नेटिक एक्सिस बताता है, ज्योग्राफिक नहीं। तो जो कंपस आप लेके घूमते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, नीडल जहां पॉइंट कर रहा है वो एक्चुअली पॉइंट कर रहा है, अगर आपको नॉर्थ बता रहा है वो, तो एक्चुअली इट इज टेलिंग यू साउथ, क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ इज टुवर्ड्स ज्योग्राफिक साउथ। तो अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो आई शो यू, आई टेल यू व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये कंपास था उसमें एक नीडल है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा होता है। और इंटरेस्टिंगली अगर वो आपको बता रहा है नॉर्थ, राइट, ये साउथ, फॉर एग्जाम्पल, इन रियलिटी ये उल्टा है। उल्टा क्यों है, क्योंकि अर्थ का साउथ, ज्योग्राफिक साउथ और मैग्नेट का नॉर्थ, दे आर नियर टू ईच अदर, राइट। वो एक्चुअली इफ इट इज पॉइंटिंग हियर तो यू मे फील कि ये नॉर्थ पोल है, बट इन रियलिटी ये उल्टा है, ये साउथ है। हम सिर्फ स्टिकर चेंज कर देते हैं, हाँ हम स्टिकर चेंज कर देते हैं, इसके लिए यहाँ पे नॉर्थ दिखाते हैं, वी हैव चेंज द स्टिकर्स, दैट्स इट। नहीं समझ में तो वापस समझाता हूं, मैग्नेटिक नीडल कहाँ पॉइंट करेगा, टुवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ विच इज इन रियलिटी साउथ। तो हमने क्या किया, स्टिकर्स चेंज कर दिए, राइट। ऊपर से कभी भी आपने नोटिस किया होगा तो एग्जैक्टली वो ओवरलैप होता ही नहीं है, एग्जैक्टली नॉर्थ नॉर्थ पे होता ही नहीं है, बिकॉज देयर इज एंगल, मैंने भी पता है दिस एंगल 11.2 डिग्रीज का डिफरेंस है, ये दोनों एक्सिस ओवरलैप होते ही नहीं है, राइट। तो एनीवेज द आइडिया हियर इज, हु इज टेलिंग यू डायरेक्शन, अर्थ इज, अर्थ का मैग्नेटिक मेरिडियन आपको डायरेक्शन बता रहा है कि ज्योग्राफिक मैग्नेटिक। तो फॉर सिंपल रीजन जो हमको यूज आने वाला है उसको आगे लो, बाकी के पीछे डालो, दैट इज व्हाई। अब अगर इसमें हमने, अब देखो बुक टू बुक डेफिनेशन वेरी होता है, वो आपको बोलेंगे, इसमें मैंने अगर कंपास का नीडल रख दिया तो कंपास का नीडल विल बी समवेयर, सो मान लो वो यहां पे, ओके,
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल। तो इस मैग्नेटिक नीडल ने जो एंगल बनाया विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, द एंगल मेड बाय मैग्नेटिक नीडल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप। द एंगल मेड बाय मैग्नेटिक नीडल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, बट मैग्नेटिक नीडल इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक नीडल कहां पॉइंट करेगा? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, राइट? तो बुक टू बुक डेफिनेशन विल वेरी। सम बुक्स विल से द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नीडल एंड द हॉरिजॉन्टल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। सम बुक्स विल से द एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल इज एंगल ऑफ डिप। एक ही बात है, मैग्नेटिक नीडल वही तो पॉइंट करेगा जहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। इज द सेम, ओके, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। मैंने इसलिए आपको वो डायग्राम ड्रॉ करके बताया था, आपने ही बताया हाँ वो वहां पॉइंट कर रहा है, मतलब वो नॉर्थ पोल है। मतलब मैग्नेटिक नीडल कहां पॉइंट करता है? टुवर्ड्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आ गया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड या नीडल का डायरेक्शन इज द सेम थिंग। गुड, अब एज यू कैन सी किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट कर सकते हो आप। अब इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां आएगा, और क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो एक कंपोनेंट यहां नीचे जाएगा, राइट? जो कंपोनेंट एंगल को एडजेसेंट होता है वो होता है कॉस कंपोनेंट, मतलब अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज बी कॉस ऑफ डेल्टा, और अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट इज बी साइन ऑफ डेल्टा। बराबर, वर्टिकल कंपोनेंट इज बी साइन डेल्टा और एडजेसेंट था हॉरिजॉन्टल तो बी कॉस डेल्टा। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड इज बी साइन डेल्टा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज बी कॉस ऑफ डेल्टा। अगर इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी बी कैंसल, साइन डेल्टा बाय कॉस डेल्टा, दिस इज नथिंग बट टैन डेल्टा। देयरफॉर टैन डेल्टा इज बी बी बाय बी एच, therefore delta is equal to angle of dip is equal to tan inverse of vertical component of earth's field upon horizontal component of earth's field। angle of dip ऐसे find करोगे, simple। अब अगर आपके पास एक vector दिया है in terms of components, for example मेरे पास एक vector है a bar which is ax i cap plus ay j cap। What is the magnitude of A bar in terms of AY and AX? Under root AX square plus AY square. Simple. अगर आपके पास एक वेक्टर है A bar in terms of components AX and AY, तो A का मैग्नीट्यूड आप लिखते हो अंडर रूट ऑफ AX square plus। अब तो यहां पे भी तो वही है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, एक है एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, एक है वाई कंपोनेंट वर्टिकल। तो इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट इट विल बी बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। ये आ गया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। गुड, इज दिस क्लियर? आर ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स क्लियर? व्हाट इज एंगल ऑफ डिप, व्हाट इज डिक्लिनेशन, व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, geographic meridian, so that is all you will need to solve questions, that's it, itna pata hona chahiye aapko। so let us solve first question here, first matlab second, because first hum already kar chuke hain, as I told you some questions we have already done knowingly or unknowingly। so number 2, a very small magnet is placed in the magnetic meridian, matlab wo jo magnetic meridian ka plane tha, is plane mein aapne ek small magnet ko rakha hai with its south pole pointing north। its south pole of the magnet is pointing north of the earth field, okay। to aisa hai, maan lo ye earth ka field hai, let us say it is north to south। isme jo ye north to south ye kahan pe hoga? ye magnetic meridian mein hoga, ek plane hai। This is magnetic meridian, मैंने अभी भी बताया। This is magnetic meridian, उस meridian में एक line है यहाँ पे, right? So anyways, we don't need this। जो bar magnet है आपके पास, वो bar magnet कैसा है? It is kept such that
सच दैट, बताओ बताओ, नॉर्थ इज पॉइंटिंग साउथ एंड साउथ इज पॉइंटिंग नॉर्थ, तो ये साउथ और ये नॉर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आगे द नल पॉइंट, वेरी गुड। नल पॉइंट मतलब ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पे फील्ड वैल्यू हो जाता है जीरो, उसको न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं, उसको नल पॉइंट भी बोलते हैं, राइट। मतलब वहां पे कैंसिलेशन होगा। अब आप हमारे पास क्या है, बार मैग्नेट है, कहाँ रखा है, अर्थ की फील्ड में रखा है, क्योंकि तो मेरिडियन बोला मतलब अर्थ की फील्ड, मैग्नेटिक मेरिडियन किसके लिए डिफाइन किया, अर्थ के लिए किया ना, राइट। तो यहां पे नॉर्थ टू साउथ, अर्थ का नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेट का नॉर्थ टू साउथ अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इन दोनों का फील्ड एक्सियल लाइन पे ही कैंसिल हो सकता है। नॉर्मली नल पॉइंट, नॉर्मली नल पॉइंट ये इक्वेटोरियल लाइन पे होता है नॉर्मली, राइट। नॉर्मली इट इज एट इक्वेटोरियल लाइन, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैग्नेट का साउथ इज फेसिंग अर्थ नॉर्थ और मैग्नेट का नॉर्थ इज फेसिंग अर्थ साउथ, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ मतलब लेफ्ट टू राइट, और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इज राइट टू लेफ्ट, राइट। तो एक्सियल पॉइंट पे ही कैंसिल होगा ना, इक्वेटर पे क्यों कैंसिल होगा, सो इट विल बी एट एक्सियल पॉइंट, रिमेंबर दिस, ओके। देन आगे बोला है, इफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0.3 गॉस, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट इज, आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है मैग्नेट का, गिवन दिस मच, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, हम लोग डायपोल मोमेंट मेजर करते हैं, याद है डायपोल मोमेंट, आई इन टू ए, एम्पियर मीटर स्क्वायर, दैट इज ऐसा यूनिट, ईएमयू इज सीजीएस यूनिट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ओके। व्हाट इज द डिफरेंस, अगर आपको याद होगा, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, देखो मैं बार बार इसलिए बोल रहा था कि अलोंग द एक्सिस, वो पॉइंट कहां पे होगा जहां पे फील्ड जीरो होगा, एक्सिस पे होगा, बार बार क्यों बोल रहा था, क्योंकि एक्सिस के लिए फील्ड का इक्वेशन क्या था, आई वॉन्ट टू नो नाउ नाउ व्हाट इज बी एक्सिस, न्यू जीरो बाय 4 पाई, 2 टाइम्स ऑफ डायपोल मोमेंट बाय डिस्टेंस का क्यूब, वेरी गुड। अगर आप ये नहीं समझते कि नल पॉइंट एक्सिस पे है तो आप 2 नहीं लिखते, क्योंकि इक्वेटर पे 2 नहीं आता है, राइट। दूसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसआई यूनिट, एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड ईएमयू, एसआई यूनिट में म्यू जीरो बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10^-7, यहां पे होती है 1, दैट इज द डिफरेंस, म्यू जीरो बाय 4 पाई इक्वल टू 10^-7 इन एसआई यूनिट, म्यू जीरो बाय 4 पाई इक्वल टू 1 इन सीजीएस मतलब ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अब ऐसा है, नल पॉइंट पे ये फील्ड भी होना चाहिए कैंसल, कौन कैंसल करेगा, अर्थ का फील्ड, अर्थ के फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वो दिया है एट नल पॉइंट, उसको न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं वैसे, एट नल और न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सियल पॉइंट पे, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड जो है वो कैंसिल करने वाला है, तो बी ए इक्वल टू बी एच, तो यू विल हैव 2m/d³ इक्वल टू बी एच, व्हाट इज बी एच, 0.3 गॉस, इसको चेंज नहीं करना, ओके। आपको क्या फाइंड करना है, m, you are supposed to find out dipole moment, m, so आपको फाइंड करना है m, therefore m will be equal to 0.3 d³ upon 2, what is d, 20 cm, right, 20 cm, सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ओके। तो यह आ जाएगा 0.3, 20 का क्यूब मतलब 20 मतलब 2 × 10, 2 का क्यूब 8, 10 का क्यूब 10 क्यूब 1000 अपॉन 2, 1 × 4, 4 × 12 मतलब 1.2 × 10^3,
ऑप्शन नंबर बी ई एम यू। बार मैग्नेट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। याद रखना ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब बेसिकली ये जो डिस्टेंस होता है ये पोल टू पोल होता है, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग बार मैग्नेट है आपके पास, एंड एज आई टोल्ड यू दिस इज पोल टू पोल डिस्टेंस, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल डिस्टेंस। और आपको पता है कि ये जो लाइन है इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक एक्सिस, ये उसका सेंटर है, तो दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ इज 10, तो 5 और 5, राइट। आगे बोला है अ न्यूट्रल पॉइंट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच पोल। न्यूट्रल पॉइंट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच पोल, ये 5 और आगे और आगे और। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईच पोल, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, एक्सिस पे नहीं हो सकता। और दूसरी बात, एक्सिस पे न्यूट्रल पॉइंट होगा ही नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं होगा, क्यों? अभी देखो ऐसा है, यहाँ पे ऐसा कुछ बोला है क्या कि इसका नॉर्थ अर्थ के साउथ को फेस कर रहा है? नहीं बोला, तो हो ही नहीं सकता। तो दूसरी चीज ये है, इक्वेटर जो होता है ना, इक्वेटर इज अ लाइन ऑफ इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। इक्वेटर ऐसा एक लाइन है, मतलब इट इज अ सेट ऑफ इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम बोथ द पोल्स। क्योंकि अगर मैं इक्वेटर पे कोई भी पॉइंट लेता हूं, कोई भी, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इक्वेटर का इंपॉर्टेंस इसके लिए भी है, बिकॉज इक्वेटर पे कोई भी पॉइंट ले लिया तो ये इक्वल डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब इन्होंने आपको बोला है कि ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच पोल है, तो मान लेते हैं कि ये पी पॉइंट है, ये डिस्टेंस है आपका 15 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है आपका 15 सेंटीमीटर। नामकरण करते हैं ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इसको सेंटर को बोल देते हैं ओ, राइट, करेक्ट। ये 15 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये मिल जाएगा डी, क्योंकि पता है ना आपको कि मैग्नेटिक फील्ड निकालते वक्त आप डिस्टेंस कहां से मेजर करते हो, सेंटर से उस पॉइंट तक, मतलब ये डी डिस्टेंस चाहिए आपको। डी डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, सिंपल, ए बी ए पी स्क्वायर इक्वल टू एओ स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, एओ स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर माइनस एओ स्क्वायर। ए पी वॉज 15 और दिस वॉज 5, not 10, 5, okay, 15 square is 225 and this is 25, so 225 minus 25 that is 200, ये OP का square है, OP equal to under root of 200, under root of 200 is 10 root 2 centimeter में, मतलब ये जो distance हम बोल रहे हैं ये आ गया 10 root 2 centimeter, और है ना ये distance D। इक्वेटर पे अगर फील्ड निकालना है तो सेंटर से ही डिस्टेंस मेजर होता है, एक पोल से क्यों होगा, लॉजिकल है, क्यों होगा, एक पोल से नहीं हो सकता, राइट। सेंटीमीटर इन मीटर इज 10 पावर माइनस 2, 10 और 10 पावर माइनस 2 मतलब 10 पावर माइनस 1, रूट 2 मीटर, ये आ गया आपका डिस्टेंस इन SI, और आंसर भी SI में है। आगे बोला है गिवन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ फील्ड, पॉइंट फॉर गॉस, द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, पोल स्ट्रेंथ नॉट डायपोल मोमेंट, ओके वो देखते हैं। पर फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस, कोई भी पॉइंट पे अपने आप मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रलाइज नहीं होता है, ये मैग्नेट का पी पॉइंट पे कुछ तो फील्ड है, उसको कैंसिल किसने किया, अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने, मतलब सेम यहां पे आपने क्या लिखा था, बी एक्सिस इक्वल टू 2m/d³, क्योंकि वो पॉइंट कहां था, एक्सिस पे, पर यहां पे पॉइंट कहां है, इक्वेटर पे। फिर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि जो इक्वेटोरियल फील्ड है उसको कैंसिल किसने किया, अर्थ के हॉरिजॉन्टल फील्ड ने, करेक्ट। व्हाट इज दिस इक्वेशन, म्यू 0/4πm/d³, यहां पे म्यू 0/4π लिखना पड़ेगा क्योंकि SI यूनिट में हम बात कर रहे हैं इसके लिए,
इक्वल टू ये कितना है 0.4 गॉस। वन गॉस इज 10^-4 टेस्ला, तो ये टेस्ला ऐसा यूनिट में आ गया। ओके दैट इज करेक्ट, डोंट वरी, क्योंकि ऐसा यूनिट ये बड़ा है, जैसे 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर मतलब 10^2, 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम 10^3 राइट। आगे 1 जूल 10^7 अर्ग, 1 न्यूटन 10^5 डाइन, तो 1 टेस्ला इज 10^4 गॉस, तो 1 गॉस इज 10^-4 टेस्ला, दैट इज करेक्ट, डोंट वरी, दिस इज 10^-7 m, m फाइंड करोगे तब जाके कुछ और मिलेगा, बिकॉज यू नो डायपोल मोमेंट इज पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट, 12 मतलब 12 कितना है यहाँ पे 10 है, 20 नहीं है 10 है, तो आपको अगर पोल स्ट्रेंथ फाइंड करना है तो डायपोल मोमेंट अपॉन 12, तो डी कितना आया 10^-1 इंटू √2 उसका क्यूब 10^-3 और √2 का क्यूब 2√2 इक्वल टू ये आ गया 4 × 10^-5, ये -3 ऊपर -7 -4, यहाँ का -4 और यहाँ का -4 कैंसल, तो यहाँ बचेगा 4 × 10^-1 और ये m और ये 2√2 भी वहां भेज दिया तो 8√2 राइट, ये आ गया m, आपको मिल गया m, अब m मिल गया तो वहां पे m 8√2 × 10^-1 और 12 था 10 सेंटीमीटर, मीटर में 10^-1 हो जाएगा कैंसल कैंसल, तो 8√2 ऐसा आएगा पोल स्ट्रेंथ। ऑप्शंस गलत दिए है, डोंट वरी, दिस इज व्हाट यू विल गेट। ओके टू बार मैग्नेट्स विथ मैग्नेटिक मोमेंट्स 2m, टू बार मैग्नेट्स विथ मैग्नेटिक मोमेंट 2m एंड m आर फास्टन्ड टुगेदर, मतलब चिपका दिया, ओके स्टिक टुगेदर एट राइट एंगल्स टू इच अदर, राइट एंगल्स टू इच अदर मतलब दे विल मेक अ क्रॉस सिस्टम ऐसा, राइट एंगल्स यू सी राइट एंगल्स, थोड़ा टिल्ट करे तो क्रॉस देखेगा, ओके देन टू इच अदर एट देयर सेंटर्स टू फॉर्म अ क्रॉस सिस्टम, ओके विच कैन रोटेट फ्रीली अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस मतलब ये ऐसा क्रॉस है एक्सिस उसका ऊपर है राइट, ओके ऊपर है तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील और दिस विल बी हॉरिजॉन्टल, एनीवेज द क्रॉस सिस्टम सेट्स इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विथ मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट 2m मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक मेरिडियन सच दैट, तो पहले तो ये समझ लो कि सेट का मतलब क्या, पहले पूरा का पूरा सिस्टम समझ लो, बाद में समझ में आएगा कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क यू, सो यू हैव बेसिकली समथिंग लाइक दिस, ये एक मैग्नेट, ये एक मैग्नेट एट राइट एंगल टूगेदर क्रॉस सिस्टम इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक्सिस इज वर्टिकल एंड इट इज रोटेटिंग, रोटेशन हो रहा है और सेट मतलब इट विल कम टू रेस्ट, सेट मतलब कम्स टू रेस्ट, क्रॉस सिस्टम सेट्स, सेट्स मतलब कम्स टू रेस्ट, ओके ओनली फॉर कन्वीनियंस मुझे दोनों मैग्नेट हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखाने चाहिए कमिंग आउट फ्रॉम योर स्क्रीन और कमिंग आउट फ्रॉम दिस बोर्ड, आई कैनॉट डू दैट, वर्टिकल एक्सिस को मैं बाहर ले लेता हूं और मैग्नेट्स को जहां पे मुझे हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखाना चाहिए था उसको मैं दिखा देता हूं वर्टिकल प्लेन में, तो ऐसा है कि ये एक मैग्नेट है, दिस इज वन मैग्नेट, ओके समथिंग समथिंग लाइक दिस, ये एक मैग्नेट है, ओके देन यू हैव अनदर मैग्नेट, मान लेना इतना ही है, एनीवेज सो यू हैव अनदर मैग्नेट समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज अ क्रॉस सिस्टम, तो इट इज मेकिंग अप अ क्रॉस सिस्टम मतलब ऐसा समथिंग लाइक दिस, ऐसा क्रॉस सिस्टम बन रहा है। अब इसमें व्हाट दे आर टेलिंग यू इज इसमें से दोनों में से एक मैग्नेट ऐसा है जिसका डायपोल मोमेंट है 2m एंड लेट मी ड्रॉ दिस इज द फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है,
बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक मैग्नेट लेट अस से दिस मैग्नेट नंबर वन, इसका नॉर्थ पोल यहां पे, साउथ पोल यहां पे, इसका ये आ गया व्हाट इज दिस विच इज अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, डायपोल, डायपोल, अरे डायपोल मोमेंट बोला ही है ना यहां पे, 2m इज डायपोल मोमेंट राइट, ये 2m हो गया डायपोल मोमेंट किसका, पहले मैग्नेट का, इसने कितना एंगल बनाया थीटा। क्वेश्चन समझ लो आप इससे, इट्स अ जोक क्वेश्चन, नथिंग एट ऑल, सिंपल। आपके पास दो मैग्नेट थे, आपने दोनों को परपेंडिकुलर लगा दिया, मेकिंग एंगल 90 डिग्री से अदर, क्रॉस सिस्टम है ये, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट हो रहा है और अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी एक्ट हो रहा है, तो ये रेस्ट पे आ जाएगा, रेस्ट पे आएगा तब क्या होगा, ये जो 2m वाला मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 2m है, वो एंगल बनाएगा थीटा विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू, ओके गुड। देन दूसरा जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ यहां पे, उसका साउथ यहां पे, इसका डायपोल मोमेंट नॉर्थ टू साउथ m, राइट, करेक्ट, रिमेंबर दिस, ये जो m है, ये m, ये 2m को परपेंडिकुलर है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही वैसा बोला है, क्रॉस सिस्टम है वो, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये है आपका डायरेक्शन ऑफ अर्थ हॉरिजॉन्टल फील्ड, करेक्ट, इज दिस क्लियर। तो ये हो गया बी एच, ये हो गया आपका यहां पे 2m, 2m ने एंगल बनाया थीटा, और ये आपके पास पहले का m, करेक्ट, वेक्टर्स आर सो पावरफुल, आप उसको उठा के जहां चाहो वहां रख सकते हो, तो मैंने यहां रख दिया, सिंपल सिंपल। ये m, ये ग्रीन लाइन 2m, ये हो गया आपका 90 डिग्री, तो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, व्हाट इज टैन थीटा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड कितना m, एडजेसेंट कितना 2m, तो m अपॉन 2m, mm कैंसिल राइट, तो थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 1/2, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट, सिंपल। अभी भी नहीं समझा होगा, और इज देयर एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, क्रॉस सिस्टम मतलब राइट एंगल टू ईच अदर, तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट m और 2m आर राइट एंगल टू ईच अदर, दिस सिस्टम इज कमिंग टू रेस्ट सच दैट, जिसका 2m डायपोल मोमेंट है उसने एंगल बनाया थीटा किसके साथ, अर्थ के हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, तो आपके पास ऐसा फिगर बना है, उसमें से आप क्या करोगे, मैग्नेट को हटा दोगे, हटा दोगे तो m, और यहाँ पे आ गया 2m, और ये हो गया अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड का डायरेक्शन, ये वेक्टर को डिस्प्लेस करके यहाँ देखा दिया, ये एंगल है थीटा, व्हाट इज टैन थीटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट m / 2m, तो थीटा इज टैन इनवर्स ऑफ हाफ, सो दैट्स इट फॉर टुडे।